दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खबर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यानी एएमयू के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले टेस्ट होगा स्कूल्स के, यानी स्कूल्स के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं। तो स्कूल का एडमिट कार्ड आपको मैं बताऊँगा कि कैसे चेक करना है। आप है ऑफिशियल वेबसाइट पे एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स, यानी एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स यानी एग्जाम्स को जो कंट्रोल करता है, एएमयू के एग्जाम्स के जो कंट्रोल करता है उसके वेबसाइट पे है amucontrollerexams.com पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन विंडो 10 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में ओपन होगा। बहुत सारे कोर्सेज का अभी लास्ट डेट है, 7 मार्च तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। बहुत सारे कोर्सेज के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 7 मार्च यानी एक दो दिन रह गया है, आप इसमें अप्लाई कर लेंगे जो भी कोर्सेज हैं अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको स्कूल के जब एडमिट कार्ड देखना है तो कैसे चेक करेंगे, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक है वो रिडायरेक्ट होकर इस वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे वेबसाइट पर आएगा तो आप यहाँ पर फीचर देखिए, फीचर टैब पर एडमिट कार्ड फॉर स्कूल एडमिशन टेस्ट 2020-21 है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ये ओपन होगा। अगर आपके एरिया में फास्ट नेटवर्क है तो जल्दी ओपन होगा, अगर आपके एरिया में स्लो नेटवर्क है तो स्लो ओपन होगा। मेरे यहाँ अभी हाल फिलहाल में नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, लेकिन अभी ओपन हो गया है। ओपन हो गया तो आपको यहाँ सेलेक्ट क्लास करना है कि कौन से क्लास के लिए देखना है। अभी क्लास 1st and 6th का एडमिट कार्ड आया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ क्लास 1 and क्लास 6 का एडमिट कार्ड आया है। आप क्लास 1st का अगर डाउनलोड करना है तो क्लास 1st पे क्लिक कर देंगे, ये क्लास 6 पे करना है तो क्लास 6 पे। जैसे मैंने 6 पे क्लिक कर दिया, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको अगर जानना हो कि और भी स्कूल्स के जैसे 9th क्लास के कब आएंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 9th क्लास के कब एडमिट कार्ड आएंगे। 9th क्लास के लिए या कोई भी क्लास को चेक करना है तो आपको ऐसे पता चलेगा, जैसे ये क्लास 1st का प्रोस्पेक्टस है, क्लास 1st क्लास का ये डिटेल्स है, क्लास 1st का एएमयू का। इसमें टेस्ट होने वाले हैं आपके, कब टेस्ट होने वाला है, 15 मार्च को टेस्ट होंगे क्लास 1st का। तो एक वीक पहले आना है, देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि एडमिट कार्ड 1 week बिफोर आएगा। तो 15 मार्च को टेस्ट है तो 1 week बिफोर में 7 दिन इसमें माइनस कर दीजिए, तो यानी 8, 7, 15 होता है, 8 मार्च तक सारे एडमिट कार्ड आने चाहिए था क्लास 1st के। लेकिन आज कौन सा डेट है दोस्तों, आज 5 तारीख है, 5 तारीख को ही एडमिट कार्ड आ गया क्लास 1st का, यानी 15 मार्च को एग्जाम है और एक वीक पहले नहीं 10 दिन पहले आ गया है फॉर्म, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, यानी 15 मार्च को एग्जाम है और 5 मार्च को आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 6th क्लास के आप देखेंगे 6th क्लास के जो टेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 22 मार्च को, लेकिन आप देख लीजिए 17 दिन पहले आ गए हैं आपके एडमिट कार्ड, किसके, क्लास 6 के। क्लास 6 का जो टेस्ट डेट है वो 22 मार्च को है, लेकिन 22 मार्च को है आप 17 दिन पहले आ गए हैं, 17 दिन पहले आ चुके हैं आपका एडमिट कार्ड, किसका, 6 क्लास का। अब 9th क्लास के कब आएंगे, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि 9th क्लास के लिए भी मैं बताऊं, तो ज़रूर मैं आपको 9th क्लास के लिए भी बताऊंगा। 9th क्लास का टेस्ट डेट देखिए 29 मार्च को है और इसमें लिखा है कि 1 week बिफोर आएगा, तो आपको अभी घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर आपका भी यानी 9th क्लास का भी एडमिट कार्ड आएगा। 11th वालों का तो अभी फॉर्म अप्लीकेशन का डेट ही 7 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, यानी अभी यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज का लास्ट डेट 7 मार्च कर दिया गया है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा क्लास 11th के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, बैचलर कोर्सेज के लिए जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए या मास्टर कोर्सेज के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, उनके लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है, यानी 7 मार्च तक लास्ट डेट है। आज 5 मार्च है तो आप 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप टेंशन फ्री रहे। आपके लिए मैं पल पल की खबर एएमयू और जामिया, बीएचयू, डीयू, इंद्रप्रस्थ, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का मैं पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा।
जेएनयू का फॉर्म निकल गया है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल गया है, जामिया हमदर्द के भी अभी फॉर्म निकलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और जामिया मिलिया इस्लामिया का डिस्टेंस कोर्सेज के फॉर्म अभी 10 दिन के अंदर निकलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख तक तो निकल ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आप सेफ्टी साइज में कर रहा हूँ कि 10 दिन के आसपास समझ लीजिए कि डिस्टेंस कोर्सेज के भी फॉर्म निकल जाएंगे और जामिया हमदर्द के भी डिस्टेंस कोर्सेज के फॉर्म निकल जाएंगे, जिसमें बिना टेस्ट का एडमिशन होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और भी जैसे एडमिट कार्ड आते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के, मैं तुरंत शेयर करता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छाई को इतना फैलाइए कि बुराई ऑटोमेटिक कम हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े होने का कारण ये है कि ज्ञान नहीं होना, इल्म नहीं होना, इल्म सिर्फ रट्टा रटाया हुआ होना, समझना नहीं हो, मतलब वेल ट्रेंड नहीं चाहिए, वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए, 3 इडियट का डायलॉग है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया, जय AMU, जय BHU, जय ऑल यूनिवर्सिटीज़।